आज आपने जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसके लिए थैंक यू बहुत ही छोटा वर्ड है. एनीवे, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू. अब बहुत ही सुंदर कपल है. ऐसा कुछ नहीं है. वी आर नॉट अ कपल. शायद गलती से मेरा मैट आपके पास आ गया. थैंक यू. हमारे विराट को सबके नक्षत्र याद है. यह है मेरे काकू रेवती नक्षत्र, वो है मेरे बाबा अभिजीत नक्षत्र. अभी तक शादी क्यों नहीं की? पहली मुलाकात के लिए ये पर्सनल क्वेश्चन है. पहली नहीं, चौथी मुलाकात है हमारी. जुनून ऐसा कि अपने आप को जला लिया होता. बोल. सो रही थी? नहीं, पौधों को पानी डाल रही थी. बाकी तूने टाइम देखा है? रात के 1 बज रहे हैं यार. सॉरी नेहा, लेकिन सब ठीक है ना? ऑफ कोर्स यार, सब ठीक है. मैंने तो बस ऐसे ही कॉल कर दिया था. खराब क्या होना है? तेरा दिमाग जो कि खराब हो गया आज सुबह से. आज सुबह से क्या? वो मैं हाँ, सुबह से आधा नासिक घूम चुकी हूँ मैं. और यहाँ के गोदावरी के घाट इतने ब्यूटीफुल है ना. बाकी तूने रात को 1 बजे मुझे गोदावरी घाट की सुंदरता बताने के लिए तो फोन नहीं किया होगा ना. असली कहानी पे आना. हे, कोई मिला क्या? मिला मतलब? मुझे किससे मिलना है? कुछ भी बोलती है नेहा तू. अरे सही बोल रहा हूँ, लवेरिया. पागल है क्या? हाँ पागल हूँ, पूरी पागल हूँ. मैं तेरे दिल की बात ना तेरे बिना बोले समझ सकती हूँ. अब नाम बताना फटाफट. किसका? उसी का जिसका नाम तू बताना नहीं चाहती. ऐसा कुछ नहीं नेहा. ऐसा ही है भाई, प्लीज अब लाइट बंद कर दे और इंसानों की तरह सो जा. नींद नहीं आ रही यार. अपने इत्तेफाक के बारे में ही सोच रहा है ना. नाइस गर्ल, नाइस बॉय. पता है नेहा, मेरी लाइफ का ना सबसे हैपनिंग दिन था ये. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुझे प्यार हो गया उस नॉइस बॉय से? प्यार का तो पता नहीं, पर आज से पहले मैंने किसी लड़की के लिए ऐसा महसूस नहीं किया. ओ भाई, तुझे नहीं लग रहा तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है? मतलब सीरियसली मैन, अभी तुझे उस लड़की से मिले हुए से एक दिन हुआ है. आएगा जाने मन, प्यार हो गया ना? प्यार का तो पता नहीं, लेकिन कुछ कनेक्शन जरूर है. वाह, इतने कम दिनों में कनेक्शन भी फील हो गया? पता नहीं यार, है भी कि नहीं. जा देख, कहीं वो भी तेरे लिए तो नहीं जाग रहा. अच्छा ठीक है, बाद में बताती हूँ, चल बाय. गुड नाइट. बिल्कुल जाग रहा होगा तेरा इत्तेफाक, करवटे बदल रहा होगा तेरी याद में, तेरी तरह लाइट ऑन करके. लाइट स्विच ऑफ करने आया था मैं. मैं भी. ओ अच्छा, ओके, बाय बाय. नमस्ते ससुर जी. क्या ना एक मैटर हो गया अभी. मैं बोला सही को शादी कर ले मेरे से, भाई को बन जा मेरी, पर मानिज नहीं. तो क्या ना मेरे को गुस्सा आ गया, तो मेरे को निकलना तो पड़ेगा, बदला तो लेना पड़ेगा ना ससुर जी. लेकिन हमें आपको ना आपको जाना पड़ेगा. हैं, टाटा.
बाबा। वशी, आप तुझे नींद नहीं आ रही तो मैं कैसे सोती? ठीक है, चाह पी। वशी, सुबह का सपना सच होता है कि? क्यों, क्या हुआ, क्या देखा तूने सपने में? तू ज्यादा सोच ले, कुछ नहीं होगा, ना तुझे ना कमल दादा को। आणि मी आहे ना तुझी सुपर मावशी। आप भी कभी कभी सोचती होगी ना कि क्या मुसीबत है ये? सही, कभी कभी नहीं, हमेशा सोचती हूँ कि ये खूबसूरत मुसीबत भगवान हमेशा सबको दे। सही, तेरी बहुत याद आएगी रे, नागपुर जाने के बाद भी इस मौसी को भूलेगी तू नहीं ना? आपको लगता है कि मैं आपको कभी भी भूल सकती हूँ? सुबह, दोपहर, शाम, रोज 4 बार फोन करूंगी, इतना कॉल करूंगी, इतनी बातें करूंगी कि आप ही बोलोगी, अरे देवा रे देवा। सही, तू तो इतनी बात करती है, बात करती है तो पढ़ाई कब करती है? सर, काही बोलते। एक आइडिया मौसी, आप ही अब और मेरे साथ नागपुर चलो। लेकिन पहले वो एसीपी साहब, वो विराट चौहान तो आए, तभी तो मैं और आभा भी जा पाएंगे। अगर बप्पा है ना, सगड़ व्यवस्थित हुई। विठल दामोदर दास माने जिंदाबाद, विठल दामोदर दास माने जिंदाबाद, विठल दामोदर दास माने जिंदाबाद, विठल दामोदर दास माने। अभी मेरे ससुर का गुस्सा देख लिया ना तूने, अभी तेरे ससुर का गुस्सा देखना बाकी है विठल माने का। मेरे बाप को आने दे, तेरे बाप का बैंड बाजा डमरू बिमरू सब बजाएगा मेरा बाप, मजा ही लेगा। सही, अगर अगर चप्पल तेरी घाल। हाँ सनी बोल यार। अरे उठ जा कुंभकर्ण। अरे यार सनी सोने दे यार। सोने दे मतलब क्या होता है, तुझे लेट होना है क्या? 7 तो बजने दे। ओ भाई साहब घड़ी देखो, 10 मिनट पहले 7 बज चुके हैं। क्या यार, अलार्म ही नहीं सुनाई दिया यार। नहीं 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 नहीं, इसमें तेरी गलती नहीं है और ना तेरे अलार्म की गलती है। अब रात भर इत्तेफाक के ख्यालों में जागेगा तो भाई साहब नींद थोड़ी ना आएगी। होना तो यही है ना, ना दोस्त की गालियाँ सुनाई देंगी, ना तुझे अलार्म सुनाई देगा। अच्छा मुझे एक बात बता, तू यहाँ योगासन करने आया है या स्लीपासन? नहीं नहीं नहीं, एक काम करता, तू चले जाता गढ़चिरौली, वहीं करता पोस्टासन। अच्छा सुन मेरी बात, क्लास शुरू होने वाली है, मैट छोड़, मैट पकड़, फटाफट नीचे आ जा, मैं तो जा रहा हूँ। फोन रखा, ठीक है। सॉरी, हम दोनों का यूं बार बार मिलना कुछ ज्यादा इत्तेफाक नहीं हो रहा है? इत्तेफाक? मेरे दोस्त सनी ने कुछ कहा। सनी ने? हाँ। नहीं तो क्यों? वो भी मुझे कल से बोले जा रहा है इत्तेफाक इत्तेफाक एंड इत्तेफाक इत्तेफाक बोल के क्या? Forget it. वैसे मुझे इस बार बार होने वाले इत्तेफाक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो मुझे भी नहीं है। क्लास में लेट पहुंचे तो योगा इंस्ट्रक्टर को बहुत प्रॉब्लम होगी, चला लो कर। प्रॉब्लम? Thank you.
गाड़ी घुमा के रख। ए कमल जोशी, देख तेरे से मिलने को कौन आ रहा है। आओ बिट्टल। बाबा दिन बचे गिनौती के और काम करे चुनौती के। गिनौती के दिन मेरे नहीं तेरे बेटे के आ गए, इसलिए तुझे ये ऐसे समाज सेवकों के साथ भागकर इधर आना पड़ा। अल्लाह बाहर काटा सका ना। अरे काके दबाने के दबाने के चल। जानता है ना मेरे को? जानता है रे। फिर भी मेरे बेटे को अंदर क्या था? हाँ, किया। वजह? तेरा बेटा जबरदस्ती मेरे घर में घुसा, मेरी बेटी के साथ बदतमीजी की, तिला किडनैप करने का प्रयत्न किया। हाँ तो? इतनी सी बात के लिए उसको अंदर कर देगा? विठल माने, मैं अभी इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं एक बाप की हैसियत से बोलता हूँ, तेरा बेटा 10 साल के लिए गया अंदर। और मैं भी एक एमएलए की हैसियत से नहीं बाप की हैसियत से बोल रहा हूँ, 10 साल तो क्या, 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर मेरा बेटा बाहर होगा। क्या 10 मिनट? धमकी दे रहा है मुझको? सम्राट की धमकी दे रहा है, रोक सकता है रोक ले। चल पीछे हो, चल 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 पार्टी, चल चल चल। हे इंस्पेक्टर कमल जोशी, देख कौन है, मेरे लोग है, मेरे एक इशारे पर जान ले सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। अरे तू समझदार है, तू ही सोच ले काय को खून खराबा करने का। जाओ ही बापू। अरे तेरा होने वाला जाओ ही है वो मेरा बेटा सनील लॉ, तेरा सही का होने वाला मरण। वही वही बोला। अब हम करेंगे मरीचासन। अब अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ खोल के बैठिए, गर्दन और कमर सीधी, अपने दोनों हाथों को अपने बगल में रखिए, सामने देखिए। अब अपना राइट नी मोड़ कर अंदर तक लेके आइए। अब जो पैर आपका खुला है उस पैर की तरफ अपने दोनों हाथों को लेके जाइए और अपर बॉडी स्ट्रेच कीजिए। अब दोनों हाथों को धीरे से पीछे की ओर लेके जाइए और अपने लेफ्ट एल्बो से अपने राइट नी को अंदर की तरफ पुश कीजिए। अब एक लंबी सांस लीजिए और 30 से 40 सेकंड तक हम इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। रोज मरीचासन करने से हमारा स्ट्रेस, सर दर्द, टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और ये बैकबोन के लिए भी बहुत ही मैजिकल आसन है। यहाँ तो मरीचासन चल रहा है लेकिन इनका यहाँ कुछ मिर्च मसाला आसन चल रहा है, क्यों बाकी? गाइस प्लीज, आप जो यहाँ करने आए हैं प्लीज उस पे फोकस कीजिए। अब आप सामने की तरफ धीरे से मुड़िए
और अपने अपने पार्टनर की तरफ मुड़ के बैठ जाइए। करेंगे छाया त्राटक, यानी आपको आपके पार्टनर की आंखों में अपनी छाया यानी खुद को देखना है। मस्त, अब ये सब्जी भी काटनी है। काश तेरे माँ बाप ने तुझे फैशन और नाटक के बजाय ये रसोई का काम सिखाया होता तो तुम्हारे दिमाग के दरवाजे के साथ साथ आंखों की खिड़की भी खुली होती। कागू, हमने कभी घर में नारियल ग्रेट किया ही नहीं। मेरी मम्मी सुपरमार्केट चलाती थी, सब कुछ रेडीमेड। तरीज, तेरा बाप पैसे नहीं जोड़ पाया। करिश्मा, जो औरत पैसे बचाना नहीं जानती उसे घर बनाना भी नहीं आता, समझ लीस? काय काय सुखी से बोल ले काय? अच्छा इकड़े ये केसर है, इसे खीर में डालना, पूजागिरी पूर्णिमा में अच्छा रंग आएगा। असली केसर है। नहीं नहीं, लाओ का चला। सम्राट के लिए जो लड़की देखी थी उसके घर वालों को फोन करना था ना। अश्विनी तुम भी चलो, पहले इसके सम्राट के लिए लड़की तय करते हैं और बाद में तेरे विराट के लिए। चलो चलो, स्पीकर पे लगाना। शैलेश, तुझे कॉल गया तो है। हेलो हेलो, हेलो हेलो, शैलेश पाटिल का स्पीकिंग। नमस्कार, मैं निनाद सवान, रिटायर्ड कर्नल इंडियन आर्मी। जी कहिए। हमने पत्रलेखा की फोटो देखी। अच्छा, पत्रलेखा की फोटो। स्पीकर, स्पीकर। हमें बहुत पसंद आई है आपकी बेटी। अच्छा ये बताइए, आप लड़के के पिता? मामा हूँ मैं उसका। सम्राट मेरी बड़ी बहन मानसी का बेटा है। मानसी ताई और सम्राट दोनों एक साथ ही रहते हैं यहाँ धर्मपेट में। निनाद साहब एक विचार दो, लेट डीसीपी नागेश चव्हाण इनसे आपका कोई रिश्ता? हाँ, वो मेरे बड़े भाई थे। क्या बात है सर, क्या बात है। देखिए सर, ये हमारी खुशकिस्मती है कि इतने बड़े घर से हमारी बेटी के लिए रिश्ता आया है। चव्हाण साहब से तो हम कभी मिले नहीं, लेकिन उनकी बहादुरी के बहुत सारे किस्से मैंने सुने। सर, नागपुर का सिंह होता सिंह। उनका काय कर तो बेचारा। अच्छा देखिए निनाद साहब, ये जो आपका भांजा है ना सम्राट, करता क्या है? आर्मी में है, मेजर। नागपुर ले तो है। शैलेश जी, सम्राट कल कुछ दिनों के लिए नागपुर आ रहा है। अगर आप कहें तो एक दो दिन में एक मुलाकात करके मीटिंग कर लें। कल परसों पत्र। नमस्कार, मैं वैशाली बोलते, पत्र लिखा ची आई। हाँ नमस्कार नमस्कार। देखिए आपको जब सहूलत हो तभी आप आइए, आपका अपना घर है, यू मोस्ट वेलकम। तो बस जल्दी मुलाकात होती है जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। खंडोबा, क्या कर रहे थे तुम? इतना अच्छा रिश्ता है और तुम? अरे तो मी काय केलं, मैं तो उनको सच बोलने वाला था। पत्रलेखा नाशिक गई है। बस दुनियादारी ना कभी तुम्हें समझ आई ना तुम्हारी बेटी को। आई होप कि पत्रलेखा का रिश्ता यहीं पक्का हो। मिसेस पत्रलेखा चव्हाण, चव्हाण खानदान की बहू। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को अपनी बहू कहने की? विठल दामोदर माने की हिम्मत देखनी तुझे? लास्ट चांस दे रहा हूं मैं। लास्ट चांस,
मेरे बेटे को छोड़ेगा या नहीं? मर जाऊंगा लेकिन इसे नहीं छोड़ूंगा। वेरी गुड, तूने मरने का फैसला कर लिया ना, वेरी गुड। कमल जोशी अब स्वर्गीय कमल जोशी बन जाइए। चला रे, कार्यक्रम शुरू करा, चला। ये बात कड़ाक। अरे जोशी, इतनी बड़ी बड़ी आंखें तेरी, तेरे को कम दिखता है क्या? तूने अगर एक गोली चलाई तो वहां से तीन चली। बोलता हूँ मैं, मेरे बेटे को छोड़ दे, बात खलास करना। तो ये सारा पुलिस स्टेशन खलास कर दूंगा मैं। जोशी, विट्ठल दामोदर माने का तेरे को हिम्मत देखना है ना, अब मैं जा रहा हूं उधर वो लॉक तोड़ने। जो करना है कर ले। अगर तूने मेरे पे गोली चलाई ना तो तुझ पे इतनी गोलियां बरसेगी कि तेरा पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर भी गिनती नहीं कर पाएगा। ये बात बाबा। जोशी, ये जगतप कैसा है तेरा ससुर? हाथ में बंदूक है पर गोली नहीं चलाता है, जबान चलाता है। सही? मौशी, ए बाबा, बाबा देखना आपकी फैमिली आ गई। लेकिन बाबा, ये ससुर जी गोली नहीं चलाएगी, मेरे को तो चलाएगी। कैसे कैसे कैसे? तो मेरे को एक बात बता, अपनी बेटी को शादी के पहले विधवा थोड़ी करेगी। एकदम बराबर बोला तू, एकदम बराबर बोला। चल चल चल, निकल बाहर, चल। ए दरवाजा खोल। रुक जा विट्ठल। अरे मेरे जीते जी, तू इसे यहाँ से नहीं ले जा सकता। तेरे मरने के बाद तू ले जा सकता है ना। ए मैं, प्लीज प्लीज, मेरे आबा को कुछ नहीं करे। तू चुप है, मेरे काम के बीच में मत बोल, घर जा। सुना नहीं? तू घर जा। ए जोशी, अब तेरी बेटी घर जाएगी या भगवान के घर जाएगी, इसका फैसला तेरे को ही करना है। ये बड़ी बड़ी आंखें और ये बंदूक नीचे कर, नीचे कर। तू क्यों आई यहां? तेरे कारण, सिर्फ तेरे कारण मुझे उसे छोड़ना पड़ रहा है। अब मैं डर गई थी, आपको मुझे जितना डांटना डांट लीजिए, लेकिन आपकी जान खतरे में सोचकर मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं, मैं कांपने लगती हूँ। शाही लगे हूं जा। सही, चल चल। ए जोशी, एकदम बराबर फैसला लिया तू, समझ ना रहे तेरा ससुर। जोशी, तूने मेरे बेटे के साथ जो किया ना, तेरी जगह अगर कोई और होता तो अब तक गटर में उसकी लाश तैर रही होती। लेकिन तेरी बात अलग है। अरे अब तो हम
समझी होने वाले हैं। क्या जोशी, जा माफ कर दे तेरे को। माफ कर दिया, लेकिन आज के बाद अगर तूने मेरे बेटे को टच भी किया ना, तो अगली बार तेरे को माफ नहीं साफ कर देगा। चला रे। ससुर जी आता है मैं। हाँ मजे सही बघितलस ना, दादा कितना गुस्सा कर रहे थे। चल घर चल। सही मौशी प्लीज, जब तक विठ्ठल और उसके आदमी यहां से नहीं जाते मैं यहां से हिलने वाली भी नहीं हूं। हाय सही, अंदर मजा है ना एकदम। हाँ ये मौसी कह रहे वो एकदम ऐसा फिल्म में देखा, मेरे को तो बहुत मजा आया। लेकिन ब्रो क्या हुआ, मेरे बाप ने दम में और तेरा बाप दिवाली का बुझा हुआ बम में। अब तेरे को ना मेरी बीवी बनने से कोई नहीं रोक सकता सच्ची। टंग 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 मजा ही। बाय। अब तेरे को ना मेरी बीवी बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।